हेलो स्टूडेंट्स तो आज की वीडियो में वीक वन ऑफ सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा एंड तक बने रहिएगा आज की वीडियो में सात इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास राणा वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स यू कैन फाइंड आर क्रैक करंट अफेयर्स कोर्स ऑन आर एप्लीकेशन एक्सक्लूसिवली फॉर करंट अफेयर्स वेयर यू विल बी गेटिंग डेली वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स ऑन रेगुलर बेसिस You can use code vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram and the link for the same is provided in the description of each video. Also, students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving, and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website carrierscloud.in. Only our crack current affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. गोल ऑफ आत्मनिर्भरता इससे क्या होगा इंडिया का जो डिपेंडेंस है इम्पोर्ट पे ऑफ एडिबल ऑयल उसको हम करने के काम करना चाहते हैं इससे क्या होता है कि हमारा पैसा बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है क्यों ना हम जो एडिबल ऑइल्स की प्रोडक्शन इंडिया में ही स्टार्ट कर दें राइट ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है वो इंडिया के इंडिया में रहेगा ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। हैज़ बिन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस तो इनमें से सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को यहां पर स्टेटस नहीं ग्रांट किया गया, बाकी तीनों को यहां पर चारों को क्वेश्चन किस कंट्री ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ ताकि जो बायोलेटल कॉपरेशन है एंड एक्सपर्टीज है उसको एक्सचेंज किया जा सके इन द पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग नॉलेज शेयरिंग के लिए एक्सपर्ट शेयरिंग के लिए राइट ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एमओयू साइन किया गया नेक्स्ट किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया गीगा जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल शूट है डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर गिग वर्कर्स एंड फ्रीलैंसर्स तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया है ये गीगा जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेबिट कार्ड रहेगा लॉन्च किया गया है आपका बैंक कौन सा बैंक एच डी एफ सी बैंक के द्वारा नेक्स्ट हु हैज हुई रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सी डी एस एल कौन अपॉइंट किए गए हैं वो है नेहल वोरा ये रीअपॉइंट किए गए हैं यहां पे ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट हुज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सी आई एस एफ सी आई एस एफ के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं राजेंद्र सिंह भट्टी ये किनको सक्सीड करेंगे अनिश दयाल सिंह को ये सक्सीड करेंगे नेक्स्ट किस एयरलाइन ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया एफ डी आई फ्रॉम द किसको अप्रूवल मिला ऑफ एफ डी आई फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मर्जर ऑफ विस्तारा एंड एयर इंडिया लिमिटेड के तो वो है सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड यहीं पर याद रखेंगे जो विस्तारा है इनका जो कोड होता था पहले फ्लाइट कोड वो यूके से चेंज होकर अब ए आई हो जाएगा नेक्स्ट नेम द इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल उसका नाम है समुद्र प्रताप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाई गई है ये एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पे जो इवेंट हुआ था उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया तो ये पहली है इसका काम रहेगा जो ऑयल स्पिल्स है ना उसको हैंडल करना फिर दूसरी आ जाती है जी एस एल यार्ड वन टू सिक्स सेवन इसका काम क्या रहेगा जो मेरी पॉल्यूशन है मेरी टाइम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उसको हैंडल करना उस पॉल्यूशन को साफ करने का इसका काम रहेगा तो ये दो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स डेवलप की गई हैं नेक्स्ट इंडिया ने लॉन्च किया पहला सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स इन तवांग एंड दिबांग वैली ये कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में ये हमें देखने को मिलती है ठीक है तो उनकी सर्वे के लिए उनका सर्वे कराया गया जो हाई रिस्क सर्वे था ग्लेशियर लेक्स का इन दोनों एरिया में किसके द्वारा कहाँ पे इंडिया के द्वारा किया गया सर्वे एंड कहाँ पर है ये अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट नेम द इंडियन एथलीट जिनको भी सम्मानित किया गया आई एन जो कि इंडिया का नेवी ट्रेनिंग है। तो वो रहेंगी हर्डल इवेंट से करती है, ये वो पहली बनी थी, जिन्होंने 100 मीटर हर्डल इवेंट में पार्टिसिपेट किया एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया एट आई एन एस ये वाह किस कमांड के अंदर आता है ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर आता है नेक्स्ट विच ऑफ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू महाराष्ट्र अगर यहाँ पर हम देखें कौन कौन से ऑप्शन ठीक रहेंगे आपके पहला और दूसरा ऑप्शन सही है सी गलत है सी कह रहे है कि पीएम मोदी ने अभी एक सेशन लिया स्पेशल सेशन एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र तो ये फोर्थ नहीं था ये याद रखेंगे फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल था ये नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिश्री जो कि न्यू डेली में हुई यहाँ पे अगर हम ए बी सी तीन ऑप्शन देखें तो ए और सी सही है बी गलत है बी कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवेल किया सेवेंटी फाइव रुपीज का कॉइन प्योर गोल्ड कॉइन था फोर्टी फोर मिलीमीटर डायमीटर था इसका एंड सेवेंटी फाइव ग्राम इसका वेट था तो नहीं सेवनटी फाइव नहीं फोर्टी फाइव ग्राम्स इसका वेट रहेगा नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन है साइन अट्राइपाटाइट एमओ यू विद डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड एमसीडी फॉर ड्रोन सर्विस ताकि जो लैंड एनक्रोचमेंट हुई है डेली में उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बिटवीन सर्वे ऑफ इंडिया एम सी डी एंड डी डी ए नेक्स्ट उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा टू सपोर्ट एंड सर्विस टू डिफेंस पर्सनल वेटर्स एंड देर फैमिली मेंबर्स प्रोजेक्ट का नाम रहेगा प्रोजेक्ट नमन नेक्स्ट है विच विद विच कंट्री डिड इंडिया इन्होंने एक वर्किंग प्लान साइन किया ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर 2025 26 तो रशिया के द्वारा के साथ मिलकर ये साइन किया गया एंड बात करें तो इंडिया अभी होस्ट करेगा थर्ड एडिशन ऑफ इंडो रशिया ज्वाइंट कमीशन ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी दो में किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अडॉप्ट किया एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स क्लाइमेट एजेंडा इन मॉडर्न कंडीशन फॉरम जो कि रशिया में हुई उनतीस एंड तीस अगस्त हुई दो में तो ब्रिक्स ब्लॉक के द्वारा अडॉप्ट किया गया यह फ्रेमवर्क नेक्स्ट किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इशू की छह नई रेगुलेशंस दैट आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टर्स इन पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना एंड अदर स्मॉल सेविंग अकाउंट तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये नई छह रेगुलेशंस को यहाँ पे रिलीज किया गया

इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना सातवां फाउंडेशन डे ऑन टू सेकंड सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट रिसेंटली साइन अ चार्टर एन एन एम ओ यू फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट जो कि कोलम्बो श्रीलंका में हुआ तो इनमें से कि पार्टिसिपेट नहीं किया शीशल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया बाकी चारों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या होता है कि यहाँ पर हम जो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं राइट साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ है काउंटर right, टेररिज्म है लॉ इन्फोर्समेंट है, है पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पे काम करने की बात की गई और जो भी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने का इसके अंदर काम किया गया नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हुआ तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है बी गलत है बी कह रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड वो पहला एन बना जिन्होंने इंप्लीमेंट किया एन पी सी आई ई के वाई सी सेतु स्टेटस सेतु सिस्टम को तो नहीं ये जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड वो पहला एन बी एफ सी नहीं बनाया पहला एन बी एफ सी कौन सा था वो था एच डी बी फाइनेंशियल next, next सर्विस होनी चाहिए पैंतीस करोड़ रुपए होनी चाहिए नेक्स्ट नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस की क्वार्टरली एस्टिमेट आया जहां पर इंडिया के जो जीडीपी एस्टिमेट थार ऑफ एफ आई ट्वेंटी फाइव वो सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट आया एंड यह पंद्रह महीने का लो जीडीपी हमें देखने को मिला है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट दिन ऑफ द रेमन मैक्स अवार्ड रेमन मैक्स एवॉर्ड की बात करें तो एशिया का ये हाइएस्ट अवॉर्ड है राइट right? इसी को हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं एंड अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो रवि कनन वो है जिनको सम्मानित नहीं किया बाकी सभी को यहाँ पे सिक्सटी सिक्स एडिशन ऑफ रेमन मैक्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है नेक्स्ट हु हैज़ बिन रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर हिज सपोर्ट टू द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स तो इनैमुअल मैक्रोन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है ओलंपिक ऑर्डर के साथ इन गोल्ड ताकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पेरिस ओलंपिक गेम्स को स्मूथली कराने में एंड उसकी वर्किंग में इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है नेक्स्ट हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स तो किन को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है वो वो हैं आशुतो और वो हैं तेजेंदर सिंह तेजेंदर सिंह किनको सक्सीड करेंगे तेजेंदर सिंह सक्सीड करेंगे आशुतोष दीक्षित को तेजेंदर सिंह की बात करें तो इनको अति इनको वायु सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है 2007 में अति वशिष्ठ सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है 2022 में नेक्स्ट विच बैंक हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ तमिलनाडु ताकि टू प्रोवाइड रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विसेज तो किन्ने वो है एक्सिस बैंक ने सॉरी एच बैंक ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ यहां पे अभी टाइप करा एक एमओ साइन किया नेक्स्ट नेम द वर्ल्ड का पहला ए आई एंड डीप लर्निंग पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया बाय बीसम पाराक्यूटिकल्स इन हैदराबाद तेलंगाना तो इसका नाम रहेगा क्विक वाइटल्स ये आपका ए आई बेस रहेगा राइट एंड ये एक मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी जिससे आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं इजिली यूजिंग योर मोबाइल फोन नेक्स्ट किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज किया बायो ई थ्री पॉलिसी दो हजार चौबीस को तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया ये बायो ई थ्री पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड यहाँ पे टारगेट है कि हमने देखा 2014 में 10 बिलियन डॉलर का यहाँ पे बायो सेक्टर था इंडिया का जो बढ़कर 2024 में 130 बिलियन डॉलर हो गया और वही बढ़ के 2030 में हमने देखा कि ये टारगेट है

मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स माना जाता है इंडिया में नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स अप्रूव बाय डीएसी अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही रहेगा डीएसी के लिए तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं नेक्स्ट व्हाट वाज द आउटले ऑफ एग्रीशोर फंड जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा तो सात करोड़ रुपए का ये फंड रहेगा एग्री श्योर फंड के अंदर जो स्मॉल एग्रीकल्चर्स जो या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं एंड जो बिजनेसेस हैं स्मॉल बिजनेसेस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको फाइनेंस कराने का काम करेगा उनको फंड करने का ये काम करेगा यहीं पर याद रखेंगे एक और चीज लॉन्च की गई है जिसका नाम आ जाता है आपका कृषि निवेश कृषि निवेश ये बेसिकली एक पोर्टल है जिस पोर्टल के ऊपर आप देखेंगे जो सर्विसेज हम बात कर रहे हैं ये फंड की बात कर रहे हैं ये फाइनेंस की बात कर रहे हैं वो इस पोर्टल के थ्रू हेल्प की जाएगी फार्मर्स को नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ टू प्रमोट एनर्जी एफिशंसी इन इंडिया तो किनों ये एमओ साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने वो है नेशनल टेस्ट हाउस ने नेक्स्ट नेम द बायोलेटल नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई मेडिटेरियन सी में हुई एक्सरसाइज का नाम रहेगा वरुणा बाईसवा एडिशन है इस एक्सरसाइज का नहीं कौन सा एडिशन रहेगा ये ये है यह एडिशन करेक्ट दो से लेकर चार सितंबर के बीच में हुआ यहां पर आईएनएस विक्रांत का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला इसी के साथ साथ अगर मैं एडिशन बात दो हजार तेईस में हुआ था नेक्स्ट किस फिटैंक कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद रूपे एंड यस बैंक के साथ मिलकर तो ये है पॉपटेक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड राइट नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इंडिया का जो जीडीपी है वॉज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड हाउ मच सेवन परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ग्रोथ रजिस्टर करी जो कि लेस देन एक्सपेक्टेड थी नेक्स्ट नेम द एरोस्पेस कंपनी दैट रिसेंटली अचीव द सक्सेसफुल मेडल फ्लाइट ऑफ इंडिया का पहला इंडिजिनियस अनमेंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट एफ डब्ल्यू डी टू हंड्रेड बी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला इंडिजिनियस अनमेंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट रहेगा इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ेगी इससे एंड इवन हमारी जो फायर पावर है उसमें हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा तो ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एंड कंपनी है जिन्होंने टेस्ट किया इसको and किया इसको लॉन्च को नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली वन द नेशनल चेस चैंपियनशिप दो हजार चौबीस हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा ये सिक्सटी फर्स्ट एडिशन था नेशनल चेस चैंपियनशिप का किन के द्वारा जीता गया इसको कौन है वो व्यक्ति वो है कार्तिक वेंकटरमन सेकंड पोजीशन पे कौन आते हैं वो हैं ग्रैंड मास्टर गांगुली सूर्य शेखर नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया वल्चर काउंट 2024 जिसका एम रहेगा मॉनिटर एंड कंजर्व करना इंडिया के वल्चर पॉपुलेशन को तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है वल्चर काउंट दो को तो ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है राइट एंड सात सितंबर से लेकर छः अक्टूबर तक ये लॉन्च किया गया है एंड इट कॉन्साइड्स विद इंडिया इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे जो कि सात सितंबर को हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट आ जाता है किस मिनिस्टर ने रिसेंटली एक्सटेंड किया था डेडलाइन फॉर द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द एकेडेडमिक ईयर दो हज़ार टू थर्टियथ ऑफ सप्टेम्बर दो तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एक नाथ शिंदे ने इनॉग्रेट किया ट्वेंटी सेवेंथ एडिशन ऑफ द डैश एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में तो थर्ट ट्वेंटी सेवेंथ एडिशन ऑफ क्या यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस बेसिकली यहाँ पे जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो बेटर लोगों तक पहुँचाई जा सके राइट उसके लिए ये सत्ताईसवां एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस यहाँ पे लॉन्च किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई महाराष्ट्र में इसी की थीम याद रखेंगे ये थीम पे बेचता विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था डी ए आर पी जी अलॉन्ग विद एम ई आई टी वाई अलोंग विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी सेंशन किया है एक कौन सा एडिशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन से नंबर का तो ये तेईसवां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है तीन साल के लिए इसको कमीशन किया गया है एक सितंबर 2024 से इकतीस अगस्त 2027 हजार तक जो पहला लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आया था वो कब आया था उन्नीस में आया था अगर मैं बात करूं ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसको इनके चेयरपर्सन कौन थे वो था जस्टिस वो थे जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी राइट right? और इस बार तेईसवां लॉ कमीशन इंडिया में आया तीन साल के लिए नेक्स्ट टू होम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज डेलीगेटेड द पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट एंड अपॉइंट मेंबर्स किसी भी अथॉरिटी के बोर्ड के कमीशन के स्टेचुटरी बॉडी के एक्टेड एनी लॉ एनेक्टेड बाय द प्रेजिडें पार्लियामेंट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी न्यू डेली देखो यूनियन टेरिटरी है न्यू डेली तो अभी प्रेजिडेंट ने किन को पावर दी वो थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी कि वो किसी भी बोर्ड कमेटी स्टेचुटरी बॉडी में कोई भी अपने मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं नेक्स्ट किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड यह डिजाइन की गई है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए एज वेल एज जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं विजुअली एम्पेयर्ड पर लोग हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स के लिए कि वो यहाँ पे पॉलिसी भेज अपना अर्निंग कर सकें तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया नेक्स्ट पे आ जाते हैं उस फिक्स डिपॉजिट स्कीम का नाम बताओ लॉन्च बाय बैंक ऑफ इंडिया विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ अप टू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो उसका नाम रहेगा स्टार धन वृद्धि नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक एमओयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोजिकोडे की लेबोरेटरी के साथ जो है लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ताकि इनोवेशन को ड्राइव किया जा सके रिसर्च सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया सिंपल टर्म्स में बोले तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इन्होंने आई एम कोजी कोडे की लेबोरेटरी के साथ यहाँ पे टाइप करा ताकि जो फिनटेक सेक्टर है इंडिया में उसको ग्रो किया जा सके नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके नई सर्विसेज नई यूज केसेज इनके लिए लाए जा सके नेक्स्ट किस डे को इज एनुअली ऑब्जर्व एज नेशनल टीचर्स डे तो पांच सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज नेशनल टीचर्स डे एंड ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है यह इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एंड पहले एंड सेकेंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किया पैतीस परसेंट स्टेक इन एक्सोन मोबाइल कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड की, की लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी है इन यूएसए तो नेशनल ने हाँ पे 35 ICC World Chess Final in 2025 टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड ब्लॉक चेन एज अर्विस विद जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसका नाम है विश्वस्य विश्वस्या के साथ ही साथ यहां पे दो और चीज यहां पे लॉन्च की गई थी जिनका नाम आ जाता है आपका आ, ये है आपके प्रमाणिक एन एन बी एफ लाइट ठीक है नेक्स्ट किस कंट्री की नेवी ने भी रिसेंटली साइन किया एक इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट विद इंडियन नेवी टू तो एन कॉपरेशन ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट तो साउथ अफ्रीका नेवी और इंडियन नेवी के बीच में साइन हुआ कि अगर कभी भी साउथ अफ्रीका नेवी को कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आता है उनका हमारे पास या कोई भी एक्सीडेंट देखने को मिलता है तो इंडियन नेवी उनकी हेल्प करेगी नेक्स्ट नेम द इंडियाज फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव जो अभी लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह चौहान के द्वारा तो यह है विजियो नेक्स्ट जैसे बाहर की कंट्रीज अपने फैशन uh, को फॉरकास्ट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग फ्रेमवर्क लाती हैं ऐसे ही हम क्यों ना अपने इंडिया में जो लोकल हमारा डिजाइन है जो लोकल हमारा फैशन सेंस है उसको हम फॉरकास्ट कर सकें राइट इसी के लिए ये विजियो नेक्स्ट लॉन्च किया गया जो कि एक एआई आई एनेबल्ड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रहेगा इसमें बहुत सारी हजारों में इमेजेस को फेड की गई हैं इंडिया के फैशन की एंड ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे हम क्या फैशन को अडॉप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू बुरनई एंड सिंगापुर यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है बी गलत है बी कह रहा है इंडिया और बुर्नई के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था इन द ऑपरेशन टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकम स्टेशन फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स नेक्स्ट किस कंट्री ने इंडिया के साथ रिसेंटली लॉन्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज टू तो एनहेंस देयर फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विस कोलेबरेशन तो ये भी यूके के साथ किया गया है नेक्स्ट किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कारपोरेशन तो यू ए के बीच में हुआ है ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं नेक्स्ट आ जाता है वो चेयरपर्सन कौन है जिनो ऑफ और ट्वेंटी टू मेंबर एडवाइजरी कमेटी जो कि तो से बी के द्वारा फॉर्म की गई टू स्ट्रीमलाइन रूल्स एंड लिस्टिंग ऑब्लीगेशन एंड डिस्कलोजर तो वो है रमा सुब्रमण्यम गांधी इस बाईस मेंबर एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन नेक्स्ट आ जाते हैं किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला निफ्टी फाइव हंड्रेड मोमेंटम फिफ्टी इंडेक्स फंड तो के, के द्वारा लॉन्च किया गया है ये मोतीलाल ऑसवर्ड म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है इसका जो न्यू फंड ऑफर है दो सितंबर से लागू हो चुका है एंड कब तक होगा सोलह सितंबर तक नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन अपॉइंट किए गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस वो है माइकल बार्नियर ये किनको सक्सीड करेंगे गैब्रियल एटल को

ड्रेड करोड़ रुपीस तो यह है जी आर एस सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड नेक्स्ट नेम द दी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जनरेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम दैट रिसेंटली बाय इंडियन आर्मी तो यह है विद्युत रक्षक ठीक है इसको डेवलप किया गया है बाय आर्मी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा एंड ये आईओ टी इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम रहेगा नेक्स्ट द एर्थ एडिशन ऑफ विच मेरीटाइम एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एट जापान तो यह है जायमैक्स जायमैक्स क्या है जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज और ये एट्थ एडिशन है इस जायमैक्स का नेक्स्ट द इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च डैश एम सी ए बाश एट

डिजाइन एंड डेवलप किया गया है इकोनॉमिक्लास्टिकोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एंड यूएस स्पेस फोर्स गार्डियंस फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूएसए से इसको टेस्ट किया गया था तो क्या नाम है उस इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल का वो है माइनमैन थ्री नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली सिक्योर किया डीआरडीओ का टार्ग कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप अंडर वॉटर लॉन्च अनमेड एरियल व्हीकल तो क्या नाम रहेगा उसका वो है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स वर्थ फोर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज तो किसको रिसीव हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ नेक्स्ट किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया अनमेंड सिस्टम फोर्सेस को जो कि वर्ल्ड का पहला मिलिट्री फोर्स है डेडिकेटेड टू हार्नेसिंग द पावर ऑफ अनमेंड वॉरफेयर वो है यूक्रेन नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग फोर्स हेज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी इन न्यू डेली फॉर एडवांस्ड केयर पर्सनल्स एंड फैमिलीज देखो स्किन बैंक फैसिलिटी क्या है कि जो आर्मी में हो लोग होते हैं राइट मान लो कोई इंसीडेंट हो गया एंड उनकी कोई बॉम्ब या फिर जलने से किसी भी रीजन से या फिर कोई गन मार्क आ गया आपके नाइफ का मार्क आ गया तो उस लिए स्किन को क्योर करने के लिए करेक्ट सर्जरी करने के लिए ये स्किन बैंक फैसिलिटी सेटअप की गई है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसज पे ये सेटअप की गई है इनके द्वारा इनके हेडक्वाटर पर राइट right? और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लॉन्च दिस फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली साइंड एन एमओ यू विद मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टू एडवांस कोलेब्रेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज फॉर द इंडियन आर्मी वो है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर के द्वारा ये यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया फॉर द इंडियन आर्मी नेक्स्ट विद विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू डिजाइन एंड डेवलप अ अचराइज सेटेलाइट कैपेबल ऑफ ऑफ कैरिंग पेलोड्स अप टू 150 केजीज फॉर द इंडियन एयरफोर्स तो वो रहेगा स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नेक्स्ट इन जून डॉक्टर समीर वी कामत जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं इन्होंने हैंड किया मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्रंट शेफ रॉकेट टू द रियर एडमिरल ब्रिजेश वशिष्ठा जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ नेवल आर्मेंट इंस्पेक्शन की ऑफ इंडियन नेवी एट अ सेरेमनी जो कि न्यू डेली में हुई ठीक है नेक्स्ट आ जाता है उस हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताओ दैट रिसेंटली कंप्लीटेड सिक्स कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल्स सक्सेसफुली बाय डीआरडीओ तो उसका नाम रहेगा अभ्यास ठीक है चलिए ये तो होगा डिफेंस के क्वेश्चन अब आ जाते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पहला क्वेश्चन नेम द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च की गई एट द शिजेंग लॉन्च सेंटर इन चाइना यूजिंग लॉन्ग मार्च शीजेंग कैरियर रॉकेट तो उसका नाम रहेगा पाक नेक्स्ट नेम द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लूनर प्रोब दैट रिसेंटली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून्स फार साइड टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स तो क्या नाम है उस सेटेलाइट का वो है चेंगी सिक्स चाइना की है मून के फार साइड पे इन्होंने लैंड किया करेक्ट ताकि वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके ये वापस आ सके फॉर रिसर्च पर्पस नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप द कॉम्पुटेशनल फ्लू डायनेमिक सॉफ्टवेयर नेम्ड प्रवाह प्रवाह क्या है पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडाइनमिक एनालिसिस तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ये कॉम्पुटेशनल फ्लू डायनेमिक सॉफ्टवेयर प्रवाह को तो ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेक्स्ट नेम द दैटेलाइट दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी द रोल ऑफ क्लाउड्स एंड एरोसूल्स इन अर्थ क्लाइमेट तो वो है अर्थ केयर राइट अर्थ केयर के द्वारा उस सेटेलाइट का नाम है अर्थ केयर जिन्होंने लॉन्च किया किसके द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इन कोलेब्रेशन विद जाक्सा के साथ मिलकर इन्होंने अर्थ केयर को लॉन्च किया है ताकि क्लाउड्स और एरोसूल इनका क्या हम स्टडी इनका क्या रोल रहता है इनकी क्या प्रोसेस रहती है अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने में नेक्स्ट किस स्पेस कंपनी के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट ऑफ किया गया टू स्पेस ऑन इट्स मेडन वॉयज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स थे बुच विलमोर एंड सुनीता विलियम्स ये है बोइंग और एक चीज याद रखेंगे ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही है इनको काफी पहले वापस आ जाना था लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही फंसे हुए हैं एंड माना जा रहा है कि ये 2025 तक इसमें फंसे रहेंगे एंड पच्चीस के स्टार्टिंग मंथ्स में ये वापस आएंगे नेक्स्ट नेम द सेटेलाइट मिशन दैट इज सेट टू बी लॉन्च इन ट्वेंटी बाय इसरो विद कोलेब्रेशन ऑफ फ्रांस सी तो क्या नाम रहेगा त्रिष्णा इसरोन ई एस मिलके इन्होंने इस तृष्णा को लॉन्च किया त्रिष्णा क्या है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट नेक्स्ट नेम द लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय स्पेस एक्स दैट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द फर्स्ट फुल फ्लाइट टेस्ट रिटर्निंग टू अर्थ फॉलोड बाय अ सॉफ्ट स्प्लैश डाउन ऑफ द बूस्टर्स गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंड द स्पेस क्राफ्ट इन द इंडियन ओशन तो बूस्टर्स गिरे गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्पेस क्राफ्ट गिरा इंडियन ओशन में क्या नाम है उस लॉन्च व्हीकल का वो है स्टारशिप नेक्स्ट रिसेंटली इन जून द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन हैज नेम्ड थ्री न्यूली डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन मार्स राइट इनको डिस्कवर किया गया बाई फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा राइट एंड जो बिगेस्ट क्रिएटर है उसका नेम रखा गया एक कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट के द्वारा के ऊपर उनका नाम है प्रोफेसर देवेंद्र लाल तीन क्रिएटर्स क्या रहेंगे लाल क्रिएटर दूसरा है आपका मुरसान क्रिएटर फिर आ जाता है हिल्सा क्रेटर ये तीन क्रेटर है मुरसान एक टाउन है यूपी में हिल्सा एक टाउन है बिहार में नेक्स्ट विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम इन स्पेस फॉर सिक्योर्ड लैंडिंग राइट्स एंड मार्केट एक्सेस टू ऑपरेट सैटेलाइट्स अबव इंडिया तो किस कंपनी को यह अप्रूवल रिसीव हुआ फ्रॉम इन स्पेस ये है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली इंस्टॉल किया ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को रिसीवर को एंड स्पेस वेदर लैबोरेटरी को एट इट्स कैंपस इन विद नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ द इसरो मानव रचना यूनिवर्सिटी ऑफ डेली नेक्स्ट विच फाउंडेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन लैब फॉर आई केयर इन इंडिया तो करा ए फाउंडेशन के द्वारा अभी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन लैब को लॉन्च किया गया है फॉर आई केयर इन इंडिया इन जून इंडियन कंटिजेंट वन सेवन मेडल्स इंक्लूडिंग थ्री गोल्ड थ्री सिल्वर एंड वन ब्रॉन्स एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दैट वॉज हेल्ड इन तेईपई सिटी ऑफ ताइवान डैश हेज वन द गोल्ड मेडल इन द दिमेन्स लॉन्ग जंप इवेंट विद्स पॉइंट फोर थ्री मीटर जंप So, Indian contingent won 7 medals including 3 gold, 3 silver and 1 bronze at the Taiwan Athletics Open 2024. So, right option here is Nayana James. Right, so Indian contingent won a total of 7 medals. In this, 3 were gold, 3 were silver and 1 was bronze. And this was at the Taiwan Athletics Open 2024 that was held in Taipei city of Taiwan. And Nayana James has won gold medal in the women's long Jump events with six point four three meter jump. Here, remember one more thing: Nithaya Ramraj, correct, has won silver in the women's hundred meter hurdles. And one more thing: Anke Shaudri won gold medal in men's eight hundred meter after clocking one minute fifty seconds. 63 and right this was the time for which he won gold medal next name the indian cricket player who has recently announced his retirement from all the forms of cricket at the age of 39 so right option is kedar jadav right he announced his retirement from all the forms of cricket at the age of 39 Next, name the Indian footballer who announced his retirement from international football after the FIFA World Cup qualifier match against Kuwait on 6th of June. He is Sunil Chhetri, right? Very famous Indian footballer. He is 39 years of age, right? And he has announced his retirement, correct, after the FIFA World Cup qualifier final match against Kuwait. Next. Who won the Norway Chess 2024 title, defeating Grandmaster Fabiano Karuna of USA? That was held from 27th of May to 7th of June in Norway. So, who won the Norway Chess 2024? It was won by Magnus Carlsen. He is the world's number one chess player. Magnus Carlsen is from Norway, right? Also, the world's number one chess player, and he has won the 2024 Norway Chess title, and he defeated Fabiano Karuna of USA in the final round. नेक्स्ट हू हैज बीन रिसेंटली औरज रिसली वन द एफ वन कैनेडियन ग्रैंड पिक्स ट्वेंटी फोर टाइटल इट वॉज वन बाय मैक्स वर्टैपन करेक्ट एंड मैक्स वर्स्टन ही ड्राइव फॉर रेडबोर्न एंड ही हैज रिसेंटली वन द एफ वन कैनेडियन ग्रैंड पिक्स राइट देन मैक्रेंस ड्राइवर लैंडन ऑर एस सिक्योर्ड सेकंड पोजिशन है करेक्ट मूविंग ऑन Who won the men's single title at the French Open 2024 also known as Roland Garros for the first time. So Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, is a Spanish tennis player. And he has won the French Open 2024. French Open is also known as Roland Garros award, right? And here remember world's number 1 Iga Swiatek of Poland. She has won the women's single title. Women's single title of French Open and who won the men's single title of French Open? Carlos Elcres. Next, name the Indian shooter who has recently won the gold medal in the men's 10 meter air pistol category at the ISSF World Cup held in Munich, Germany. So, Sarabjot Singh, right? He is the Indian shooter who won the gold medal in the men's. 100 meter air pistol category at the ISSF World Cup 2024 held in Munich, Germany. And Sarabjot Singh also won bronze, if you remember, in the Paris Olympic Games, along with Manu Bakar in the mixed double category. Next, which country is set to host the 14th edition of the FIH Hockey Men's Junior World Cup in 2025? It will be our India. Our India will be hosting the 14th edition of the FIH. Men's hockey junior world cup that will be held in 2025 it is india and this is the for the first time that fih hockey junior world cup has 24 participating team and india will host the tournament for the fourth time since 2030 next who has been recently or who has recently won the under 20 girls title at the fide world junior chess championship 2024 held in gandhinagar gujarat so दिव्या देशमुख राइट शी हैजन द अंडर ट्वेंटी गर्ल्स टाइटल एट द फाइड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी गांधीनगर गुजरात नेक्स्ट नेम द प्लेयर हु फिनिश्ड एज रनर अप इन द मैन सिंगल एट द इंटरनेशनल और ए टी पी चैलेंजर वन ट्वेंटी फाइव पेरूगिया दैट वॉज हेल्ड इन पेरुगिया इटली सो हू इज दट प्लेयर हू फिनिश्ड एजर अप इन द मैन सिंगल टाइटल एट द ए टी पी चैलेंजर वन ट्वेंटी पेरूगिया सुमित नागल राइट सुमित नागल फिनिश्ड एज द रनर अप है. नेक्स्ट नेम्ड है इंडियन एथलीट हू वन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स जेवलिन थ्रू इवेंट एट पावो पावनुर्मी गेम्स अ वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट दैट वॉज हेल्ड इन तुर्कू फिनलैंड सो नीरज चोपड़ा राइट ही इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स और वी कैन से इन एथलेटिक्स द इवेंट इज जेवलिन थ्रू राइट एंड हीज सिक्योर द गोल्ड मेडल In the men's javelin throw event at the Pavo Nurmi Games, that is a World Athletics Continental Tour event that was held in Finland. Next, who has recently won the title at the twenty twenty four Stepan Avangyan Memorial Seventeenth Category Round Rombin Chess Tournament that was held in Armenia? So, who he will be? Right option is Arjun Argesi. Correct has won the title at the twenty twenty four Stepan. Avangyan Memorial 17th Category Round Robin Chess Tournament that was held in Armenia. Correct, and this marks Arjun's Argesi's second classical title of 2024. He previously won the Mendroka Open also in April 2024. Next, which state government has recently announced an extension of its sponsorship to Hockey India by three years until 2036? The right option here is which state? It is Odisha State. So Odisha State has extended their sponsorship to the India's men's hockey team by next three years, or for the another three years that is 2036. Earlier it was till 2033, now it has been extended till 2036. And why till 2036? Because in 1936, we can say, or in 2036, 100 years of the completion of Odisha State will take place as it was established in 1936 as the state. So for the same reason. To sponsor it will be sponsoring hockey India by 2036. Next, who has recently won the F1 2024 Spanish Grand Prix held in Spain? Right? So Max Verstappen. Right. Has won the F1 2024 Spanish Grand Prix that was held in Montmelo, Spain. Correct. So Max Verstappen is the right option also for max verstappen it is the third spanish grand prix and seventh win of 2024 as well as the 61st career victory of 2024 next friends let's move to the books and authors what is the title of the memoir of the bill gates the co-founder of the microsoft which is set to be released in feb 2025 so what is the title Source code My Beginnings. Next, who recently in June 2024 unveiled his autobiography titled I Have the Streets, a Kuti cricket story written jointly with author Siddharth Monga. So, he is a very famous cricketer, Ravi Chandra Ashwin. In this book, he talks about his early childhood and the cricket that he used to play in his early childhood. Right, this book is 200 pages. And it will be published by Penguin Random House, India. Next, who recently in June 2024 released the autobiography of Islamic scholar A.P. Abu Bakr Musliar titled Vishwa Purvanam? I repeat, Vishwa Purvanam. right? So, this is the title of the autobiography. The question asked is, who released this autobiography of Islamic scholar A.P. Abu It was released by Pinray Vijayan right pinray vijayan he is the chief minister of kerala next name the author of the book titled a fly on the rbi wall and insider's view of the central bank so who is the author of this book that is a fly on the rbi wall and insider's view of the central bank alpana kilawala alpana kilawala is the right option here next who has recently released her debut children's picture book series titled adventures of ad a mama ad finds a home so who recently released her debut children's picture book it was recently released by alia bat next who has recently released the book titled gateways to the sea historic ports and docks of mumbai region which comprises 18 articles by renowned authors compiled by the maritime mumbai museum society so this book has been authored by whom it has been authored by or who released this book and this book has been authored by whom right so this book remember will be published by ministry of information and broadcasting correct and this book remember has been compiled or we can say this book comprises of Eighteen articles by various renowned authors. So we can say there are multiple authors here, and this book is compiled by Maritime Mumbai Museum Society. And who will release the book? This book will be released by Ramesh Bias. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be very beneficial in your learning. Next, who has recently taken charge as the ambassador of India to USA? So Vijay Mohan Quatra right he took charge as the ambassador of india to united states of america he will succeed whom he will be succeeding taranjit singh sandhu next tungabhadra dam is situated where tungabhadra dam is situated in karnataka right and tungabhadra dam on the 19th gate of the tungabhadra dam was swept away by flood waters on 10th of august that is the reason we should remember this next which ministry organized the 28th conference of Central and State Statistical Organization held in New Delhi from 12 to 13th of August 2024? So, which ministry organized this 28th conference of Central and State Statistical Organization? It is the Ministry of Statistics and Program Implementation. There was a theme for this that you can remember theme being use of data for decision making, strengthening state statistical system. Next, which of the following are the three Indian Ocean geographical structures named by International Hydrographic Organization and Intergovernmental Oceanic Oceanographic Commission of UNESCO? So, which of the following three Indian Ocean geographical structures named by IHO and IOC of UNESCO? So, all of three: Ashoka Sea Mount, Chandragupta Ridge, and Kalpatru Ridge. In Indian Ocean, these are the three. Structures that were discovered and they have been named as Ashoka Seamount, Chandragupta Ridge and Kalpatru Ridge. Next, which country's small business administration has recently signed an MOU with India to promote cooperation on small and medium sized enterprises? It is United States of America. So India signed an MOU with USA for promoting the small and medium enterprises. Next, which organization released the Global Employment Trends for Youth 2024 report highlighting that the global youth unemployment rate in 2024 increased to 13% representing a 15-year low? It is International Labour Organization. Next, who is the chairperson of the 10th Member Expert Committee that was recently constituted by RBI to benchmark their statistics with global standards? It is MD Patra, that is Michael Dibatra Patra, right? He is the deputy governor of RBI, correct? And he has recently constituted uh, an RBI, has constituted a 10 member committee that will be headed by MD Patra. Next, who will be the chief executive officer of newly incorporated NPCI Beam Service Limited, that is NBSL? So, Lalita Natraj, correct? Will be the new ceo of newly incorporated npci beam service limited and who will be the chief business officer here rahul honda next if we talk about ravi agarwal ravi agarwal has been appointed as the chairperson of central board of direct texas next is india is scheduled to commence full-scale production of 4.5 generation plus light combat aircraft mark ii fighter jets from 2029 onwards. Right? And in addition, the mass production of the advanced medium combat aircraft, that is the fifth generation fighter, is anticipated to start by 2035. So, for LCM Mark II fighter jet 2029 and AMCA fifth generation fighter jets production, will start by 2035. Next, who is the author of the recently released book titled Bharat Ke Pichattar Mahan Krantikari, that is 75 Great Revolutionaries of? India. So Bhim Singh right he is the author of this book titled Bharat ke Pichattar Mahan Krantikari. Next which author has recently received the Pardo Ella award that is basically or career leopard award for the contribution to cinema at the 77th Lakarno film festival in Switzerland. So this award was recently presented to Shahrukh Khan and during his speech also he said. That it is very difficult to pronounce this name, right? So this is Pardo Ella Caria Award, that is Lacarno Tourism or Career Leopard Award, that was for his contribution to cinema at the 77th Lacarno Film Festival that was held in Switzerland. And he is the first Indian personality to be honored with a lifetime achievement award at the Lacarno Film Festival. Next, which institution was ranked first in the overall category according to the ninth edition of India Ranking 2024 based on the national institutional ranking framework. So it is IIT Madras. This is the institution that secured the first position in the overall category, and it is for the sixth consecutive time that they secured the first position here. And they were the ninth edition of the NIRF ranking that were recently released. Next which of the following wetlands have been recently designated as Ramsar sites? So all these three, Nanjarayan Bird Sanctuary, Kazuveli Bird Sanctuary and Tawa Reservoir. Tawa Reservoir is in Madhya Pradesh and rest two are in Tamil Nadu. And now the total number of Ramsar sites in India. What is it? It is 85. Next which ministry has recently launched the Geoparsi scheme portal? For Parsis to get financial aid online through direct benefit transfer mode, it is Ministry of Minority Affairs, right? This is the ministry they have launched this Geo Parsi scheme portal for Parsis to get financial aid online through direct benefit transfer. Apart from this, hajj application has also been launched for 2025. This will be basically receiving the all the entries. For Hajj 2025, that will be held in Saudi Arabia, and all the data that will be collected here will be sent to Saudi Arabia for further or basically for security issues or uh, security measures. Next, according to the newly inducted Offshore Areas Mineral Trust Rules 2024, the production leaseholders of the offshore mines must contribute 10% of the royalty payments to the trust. Next, which organization has recently signed an MOU with the Indian Stainless Steel Development Association to enhance MSME exports of the steel products? It is Engineering Export Promotion Council of India. They have recently signed this MOU with Indian Stainless Steel Development Association to enhance the MSME exports of the steel products. Next, what percentage premium has the Ministry of Petroleum and Natural Gas approved over the regulated administrative price mechanism price? For the natural gas produced from the new wells or wells interventions in nominated fields of ONGC and Oil India Limited. So, 20% premium has been notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Next, according to the revised guidelines issued by RBI, deposit taking housing finance companies are now required to maintain 15% of the liquid assets of the public deposits that are held by them by 1st of July 2025. Right. This will be done in a sequenced manner. Uh, now, first they need to maintain 14% by first of January 2025, and then it will increase to 15% by first of July 2025. Next, name the rural fintech startup that was that has recently received the NBFC license. It is Jay Kisan. This is the rural fintech startup, and they have received NBFC license from RBI. Next name the long-range glide bomb that has recently underwent a successful maiden flight test conducted by DRDO. What is the name of this long-range glide bomb? This is Gorov. right where was this tested this was tested in uh, this was tested in Odisha. It was tested using Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet correct apart from this remember DRDO they have also tested man portable anti tank guided missile, and this was tested in Pokhran range in Rajasthan. Next, name the ISRO's launch vehicle carrying the Earth observation satellite, which was successfully launched on 16th of August 2024. What is the name of that launch vehicle? It is SSLV D3 that is, Small Satellite Launch Vehicle D3. This small satellite launch vehicle will be very beneficial in launching the small satellites for India. Next, renowned DRDO scientist and Padma Bhushan awardee Dash, hailed as the father of Agni missiles, passed away. So, who is known as the father of Agni missiles and a Padma Bhushan awardee who passed away? He will be Ram Narayan Agarwal. He was honored with Padma Shri in 1990 and then with Padma Bhushan in 2000. दिस इज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड एंजीनियरिंग उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया है मॉस चिप एंड सोशियोनेक्स के साथ फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर कॉल्ड एयूएम तो कौन बनाएगा ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर एयूएम को ये किसके साथ पार्टनर किया है किस कंपनी ने पार्टनर किया है मॉस चिप एंड सोशियोनेक्स के साथ तो वो है सी डी ए सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने टाइप किया है इनके साथ एंड जो ये एयूएम प्रोसेसर रहेगा ना ये आर्म्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा पांच नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोट्स रहेंगे इसमें एंड इनका एम रहेगा इस पार्टनरशिप का एम रहेगा कि इन चिप्स को इन एयूएम प्रोसेसर्स को यहाँ पर डिजाइन किया जाए डेवलप किया जाए एंड प्रोड्यूस किया जाए नेक्स्ट उस स्पेसक्राफ्ट का नाम बताओ जो कि इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जिन्होंने कंप्लीट किया फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैंग्रेज पॉइंट वन एल वन तो एल वन पॉइंट पे लॉन्च किया गया वो कौन सा स्पेस सेटेलाइट था इंडिया का वो है आदित्य एल वन एल वन यहाँ पे क्या है लैंग्रेज वन पॉइंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था एन इस आदित्य एल वन मिशन का एम क्या है कि सन की जो सरफेस है उसको स्टडी करना बेसिकली सन को स्टडी करने का काम करता है एन अभी इन्होंने पहला हॉलो ऑर्बिट कंप्लीट किया है अराउंड दिस लैंग्रेज वन पॉइंट नेक्स्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ दैट रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद ब्लू ऑरिजन अनाउंस्ड इंडिया एज अ पार्टनर नेशन इन देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम तो वो है सेरा स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ब्लू ऑरिजन के साथ एंड इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया इनका पार्टनर नेशन रहेगा फॉर देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ब्लू ऑरिजन का एक रॉकेट है शेफर्ड इसकी मदद से छः एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें से एक सीट इंडिया की रहेगी एक नाइजीरिया एक मालदीव्स की रहेगी जिसमें से हम देखेंगे शेफर्ड इस रॉकेट की मदद से ग्यारह मिनट का ये एक मिशन रहेगा जहाँ पर आउटर स्पेस में लोगों को इन एस्ट्रोनॉट्स को ले जाया जाएगा और इंडिया यहाँ पर अभी पार्टनर नेशन बन गया है इस मिशन का नेक्स्ट नासा नासा लॉन्च करेगा भी एक टेलीस्कोप जिसका नाम क्या रहेगा जो 2040 में लॉन्च किया जाएगा जो कि एलियंस को एंड इनहेबिटेड प्लानेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है उनको स्टडी करने का काम करेगा तो क्या नाम रहेगा इस टेलीस्कोप का हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी ये एक्स्ट्रा टेरिटर लाइफ जिसको हम एलियंस कहते हैं इनको सर्च करने का काम करेगा दो में इसको लॉन्च किया जाएगा एंड किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं इन जुलाई 2024 हजार मॉस जो रशिया की स्टेट कॉरपोरेशन है फॉर स्पेस एक्टिविटीज या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी है इन्होंने बोला कि हम रशियन ऑर्बिटल स्टेशन को लॉन्च करेंगे कब तक 2033 तक याद रखेंगे ये स्पेस स्टेशन रहेगा रशिया का रशियन ऑर्बिटल स्टेशन यहीं पर आप मुझे बताओ इंडिया के स्पेस स्टेशन का क्या नाम रहेगा अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था इसके बारे में एंड इसमें पाँच मॉड्यूल्स रहने वाले हैं एंड इसी के साथ साथ बताओ कि

फ्रांस जर्मनी इटली एंड पोलैंड इन्होंने भी एक एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया कि ये जॉइंटली डेवलप करेंगे क्या एंड ये जो uh... इनिशियल लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है ड्यूरिंग द नेटो सेवेंटी डीसी यूएसए में हुई थी हम जानते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड तो ऐसे में ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किन कंट्रीज ने फ्रांस जर्मनी इटली एंड पोलैंड नेक्स्ट उस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नए वी लिफ्ट रॉकेट का नाम बताओ दैट हैज बीन रिसेंटली स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूरोप स्पेस पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया था पूछा जा रहा है कि उस हेवी लिफ्ट रॉकेट का नाम बताओ जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था तो क्या नाम रहेगा उसका वो है एरियाना सिक्स रॉकेट नेक्स्ट नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च द फोर न्यू एंटी ड्रोन प्रोडक्ट जिनका नाम है हॉकाय स्थिर स्टेप 640 प्रशस्त तो द्वारा लॉन्च किया गया है जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है अगर हम बात करें जेन टेक्नोलॉजी ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस ट्रेनिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने ये चार प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं हॉकाई जो रहेगा ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम रहेगा विद न्यूमरस सेंसर्स बार्बरिक ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन रहेगा स्थिर की बात करें ये एक ट्री कॉम्बेक्ट वहीकल रहेगी एंड प्रशस्ता की बात करें यह यूज करेंगे लाइडा टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि जेन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चार प्रोडक्ट लॉन्च किया गया उसमें से लाइडा टेक्नोलॉजी कौन यूज करेगा तो प्रशस्ता ये लाइडा टेक्नोलॉजी यूज करेगा फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरियस थ्रेट्स अगर लाइडर की बात करें लाइडर क्या है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग मतलब लाइट को छोड़ा जाता है राइट किसी पॉइंट पे पॉइंट किया जाता है जब वो वहाँ से वापस टकरा के आती है तो उनका जो डिस्टेंस नापा जाता है उसके बेसिस पे यहाँ पर आपकी सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं तो ये है लाइडर टेक्नोलॉजी नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया ऑथराइजेशन फ्रॉम इन स्पेस टू तो प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस तो किस कंपनी ने ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया है इन स्पेस के द्वारा किसको मिला ये ऑथराइजेशन ये है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को ये अभी अप्रूवल मिल गया फ्रॉम इन स्पेस कि ये ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इससे क्या होगा जो डाटा ट्रांसमिशन और अच्छा हो जाएगा मिशन में फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी जो कम्युनिकेशन है रियल टाइम सेटेलाइट कम्युनिकेशन उसमें हमें ज़्यादा एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी नेक्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम डैश हैव रिसेंटली जनरेटेड द फर्स्ट अंडरसी मैप ऑफ राम सेतु और एडम्स ब्रिज यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी फ्रॉम नासाज आइस सेट टू तो साइंटिस्ट कहाँ के हैं ये तो याद रखेंगे नासा के साइंटिस्ट ने अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ब्रिज कहते हैं उसको हम राम सेतु कहते हैं उसी को हम एडम्स ब्रिज के नाम से कहते हैं राइट तो उसका जो अंडरसी मैप है तो पानी के नीचे जो एरिया है जो जगह है जो आपका हम कह सकते हैं जो सरफेस है उसको मैप किया गया है एंड उसको मैप किया गया नासा की आइस सेट टू सेटेलाइट की मदद से करेक्ट ये यूजिंग द लेजर टेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है साइंटिस्ट ये किन के साइंटिस्ट ने तो नासा के साइंटिस्ट ने ये मैपिंग की है नेक्स्ट किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी छः नए एग्जो प्लैनेट्स यह उनके नाम रहेंगे इनको अभी डिस्कवर किया तो नासा के साइंटिस्ट के द्वारा ये छः नए एग्जो प्लानिट्स को अभी डिस्कवर किया गया है नेक्स्ट नेम द हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय चाइना इन टू स्पेस यूजिंग लॉन्ग मार्च फोर बी कैरियर रॉकेट फ्रॉम ताइवान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर तो सेटेलाइट का नाम क्या रहेगा गाउफेन इलेवन जीरो फाइव ये चाइना की सेटेलाइट है राइट एंड चाइना की ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है यूजिंग लॉन्ग मार्च फोर बी कैरियर रॉकेट नेक्स्ट किस स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली अनाउंस किया अपना प्लान टू लॉन्च रैपिड मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी जिसका नाम रहेगा इसको स्टडी रहे करने के लिए यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा रामसिस मिशन को लॉन्च करने की बात की गई नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंडक्ट किया सेकंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी तो किसके द्वारा टेस्ट किया गया इसरो के द्वारा इसको टेस्ट किया गया इससे क्या होगा जो आ, आपके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उसको एज अ ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करके यहाँ पे फ्यूल को बर्न किया जाएगा एंड उससे क्या होगा कि जो पेलोड है हमारा जो हम वेट लेके जाते हैं क्योंकि ऑफ फ्यूल का भी वेट होता है एंड रॉकेट को लिफ्ट ऑफ करने के लिए जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो अगर हम उस फ्यूल को ही कम कर देते हैं तो जो पेलोड कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाएगी हमारी और जो फ्यूल का वेट होगा वो कहीं ना कहीं हमें गिरता हुआ देखेगा तो काफ़ी यूज़फुल टेक्नोलॉजी ये रहने वाली है नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया इकोजेन को जो कि एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ये इंडिया वर्ल्ड एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक को लॉन्च किया गया रिन्यूएबल एनर्जी से इससे बनाया जाएगा एंड इसका जो कार्बन कॉन्टेंट रहेगा ना जो कार्बन फुटप्रिंट रहेगा सेवेंटी लोअर है ऑफ द ग्लोबल एवरेज नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट प्लानेट ऑर्बिटिंग अ नियर बाय स्टार सिमिलर टू द सन जिसको अभी डिस्कवर किया गया एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत पाठक की टीम के द्वारा तो इसका नाम क्या रहेगा एप्सिलॉन इन डी ए पी ये वो जॉइंट प्लानट का नाम है जो कि नियर बाय सन सिमिलर टू दैट ऑफ अ सन के अभी स्टार के रिवॉल्व कर रहा है एंड आईआईटी कानपुर की एस्ट्रोनॉमर्स की टीम जिसको लेड किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत पाठक जी के द्वारा डिस्कवर किया गया है